हेलो एंड वेलकम टू जे एजुकेशन। इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक है वो टॉपिक है वाटरफॉल। वाटरफॉल का मतलब होता है जलप्रपात। तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडिया के अंदर जलप्रपात, और जिसकी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, जो बीते हुए एग्जाम थे जिसमें मैंने सेट में देख लो आप, फिर एग्जाम में देख लो, उसमें अगर यदि ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है तो ऐसे ऐसे टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, जैसे वाटरफॉल हो गया, झील हो गया, या फिर टेम्पल हो गई। तो स्टेटिक्स पोर्शन जो एवरग्रीन जीके होता है, सदा बाहर जनरल नॉलेज, जो बदल नहीं सकता, जो जहाँ पे सिचुएटेड है वहीं पे रहेगा, तो वैसे स्टेटिक जीके मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ। ये मेरा दूसरा वीडियो है, और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट करें, शेयर करें, और ज़्यादा ना विलंब करते हुए मैं इस वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम विवेक कुमार, एम फैकल्टी फॉर मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। जो ज़्यादा संभावना रखता है उसी प्रश्नों पर मैं बात करूँगा। पहला सवाल आप देख पा रहे हो, भारत में सबसे ऊँचा, हाइट के अनुसार बोलते हैं, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो है जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात की देखो विशेषता क्या है। जोग जलप्रपात है कर्नाटक के अंदर, और यह है सरावती नदी के तट पर। सरावती नदी के तट पर है जोग जलप्रपात। और रही बात की ये जो नदी जलप्रपात है, इसमें चार छोटे छोटे प्रपातों से मिलकर बना है। छोटे छोटे प्रपात हैं चार, जिसमें आता है एक आता है राजा, एक आता है राजा प्रपात, एक आता है रोरर, एक आता है रॉकेट, और एक आता है दाम बलचा। ये चार छोटे छोटे प्रपातों से मिलकर बना है जोग जलप्रपात। और इसकी एक और विशेषता, इसका एक नया नाम दिया गया है जिसका नाम है महात्मा गांधी। याद रखना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। महात्मा गांधी जलप्रपात इस नाम को बदल कर रख दिया गया है। सबसे ऊँचा है, इसका एक और नाम है गोरसप्पा जलप्रपात। और इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट है 250 मीटर। 250 मीटर के हाइट से प्रपात ऊपर नीचे से जल, ऊपर से जल गिरता है, और काफ़ी सुहावना, काफ़ी मनमोहक और उत्कृष्ट, और एक बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है उस समय। 250 मीटर इसकी हाइट है, सरावती नदी के तट पर स्थित है, कर्नाटक के अंदर है। दूसरा सवाल, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात है, ये है नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी, जिसे मध्य प्रदेश से काफ़ी लगाव है, मध्य प्रदेश या जो नर्मदा नदी को रेवा के नाम से जानते हैं, रेवा के नाम से नर्मदा नदी को जाना जाता है, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी इसे जानते हैं। दूसरा सवाल, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये है नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी, जिसे मध्य प्रदेश और गुजरात से काफ़ी लगाव है, मध्य प्रदेश और गुजरात में, मध्य प्रदेश और गुजरात के अंदर, और गुजरात, ये दो ऐसे स्टेट हैं जहाँ से नर्मदा नदी बहती है। ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश के अंदर से, और जाकर गिरती है खब्बात की खाड़ी अरब सागर में। ये भारतीय उपमहाद्वीप के अनुसार से लिया जाए तो पाँचवीं नंबर की सबसे लंबी नदी है उपमहाद्वीप के अनुसार। और दूसरे तीसरे नंबर पर आती है गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा के बाद यदि नदी के नाम लिया जाए तो वह है नर्मदा, जो सबसे लंबी नदी है तीसरे नंबर पर। और नर्मदा नदी, जिसे रेवा के नाम से भी जानते हैं, रेवा के नाम से भी जानते हैं नर्मदा नदी को। और एक और पॉइंट कि जो जीवन रेखा, जैसे इसको मध्य प्रदेश में जीवन रेखा कहते हैं, तो एक तरफ बोलते हैं सोक, जैसे झारखंड में एक नदी बहती है जिसको बोलते हैं दामोदर। तो दामोदर एक ऐसी नदी है जो सोक का काम करता है बंगाल के अंदर। जैसे दामोदर नदी जब बहता है तो बंगाल में बहुत सारे बाढ़ आ जाती है, वहाँ के किसान तबाह हो जाते हैं, फसलों बर्बाद हो जाते हैं, तो वहाँ पर बोला जाता है बंगाल का सोक। इसी प्रकार एक और नदी है बिहार के अंदर जिसको बोलते हैं बिहार का सोक, और उस नदी का नाम है कोसी। कोसी नदी है जो बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। तो दो प्रकार की नदियां आती हैं, जो एक खुशियां लाती है और एक विनाश का काम करती है। नदियां पानी है तो खुशियां तो है ही, लेकिन इसमें एक पॉइंट होता है कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाने के कारण वहां पे बर्बाद हो जाती है, कहीं जिला बर्बाद हो जाता है, तो शहरों में पानी भर जाता है, तो खेती बाड़ी जो भी है वहाँ पर बर्बाद हो जाती है। इस प्रकार का प्रोसीजर करता है बिहार में कोसी नदी, और बंगाल के अंदर दामोदर नदी, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जैसा कि मैंने बताया नर्मदा नदी, ये फ्रूटफुली का काम करती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर। क्वेश्चन नंबर थ्री, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कपिल धारा अगेन नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। नर्मदा नदी, जिसे रेवा के नाम से जानते हैं, 1312 किलोमीटर तय करती है। ये 1312 किलोमीटर तय करने के बाद पश्चिम से निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से, और जाकर गिरती है खब्बात की खाड़ी अरब सागर के अंदर। आगे चलते हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात है कावेरी नदी के तट पर। कावेरी नदी जो तमिलनाडु में बहती है, और शिव समुद्रम जलप्रपात भी तमिलनाडु में है।
800 किलोमीटर दूरी तय करती है कावेरी नदी और जाकर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो ये सब पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गोकक, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गोकक है जलप्रपात गोकक नदी के तट पर, जैसा कि नाम है वैसे ही नदी है, ऑप्शन नंबर सी गोकक नदी की। एक और बात, ये कर्नाटक के अंदर है, कर्नाटक। और गोकक जो जलप्रपात है इसके समीप, गोकक नदी के समीप एक नदी है जिसको बोलते हैं घटप्रभा। घटप्रभा नदी है गोकक नदी के समीप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये है स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। और ये है झारखंड के अंदर, झारखंड के अंदर है हुंडरू जलप्रपात। इसकी जो ऊंचाई है वह ऊंचाई है 243 फीट और यदि मीटर में लिया जाए तो 74 मीटर। ये झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है, दूसरे नंबर पे है हुंडरू जलप्रपात। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है बूढ़ा घाघ जलप्रपात, झारखंड के अंदर ही है बूढ़ा घाघ जलप्रपात। इसकी जो ये जो है यह है लातेहार, बूढ़ा घाघ जो जलप्रपात है यह लातेहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, झारखंड के अंदर। आगे बढ़ते हैं चित्रकूट, चित्रकूट जलप्रपात इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो चित्रकूट जलप्रपात है यह है छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ में हालांकि बहुत सारे जलप्रपात हैं लेकिन चित्रकूट जलप्रपात सबसे ऊंचा है, हाइट के अनुसार इसकी हाइट है सबसे ज़्यादा है, 90 फीट हाइट है इसकी। और ये जो है छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी, यस इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है, इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती नदी काफ़ी पॉपुलर नदी है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, ककोलत जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ककोलत जलप्रपात है ये है बिहार के अंदर, बिहार के नवादा जिले में स्थित है ये, गोविंदपुर जो पुलिस स्टेशन है उसके समीप है ककोलत जलप्रपात। और एक और बात, जैसा कि मैंने बताया था कोसी नदी यहाँ की एक शोक का काम करता है, बिहार का शोक के नाम से जानते हैं कोसी नदी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सहस्त्रधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? सहस्त्रधारा जलप्रपात को समझने से पहले यह समझो इसकी खास बात, मैं इसके स्टेट बताऊंगा लेकिन इसमें एक पॉइंट है, चिकित्सीय गुण से यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि चिकित्सीय गुण से जो काफ़ी बेनिफिट करता है, त्वचा संबंधी जो भी रोग होता है इसकी जो पानी होता है, इसका जो जल होता है वो काफ़ी बेनिफिट करता है हेल्प करने में, उसको ठीक करने में। त्वचा संबंधी जो रोग होता है इसके जल से काफ़ी हद तक ठीक होता है ऐसा माना जाता है। तो ये है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अंदर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, देहरादून के अंदर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो उत्तराखंड में पिकनिक स्पॉट में बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है वो है आपका पैकारा जलप्रपात। पैकारा जलप्रपात है ये है तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के अंदर। और तमिलनाडु में पैकारा जलप्रपात की भूमिका क्या है कि यहाँ पे जब एक विद्युत उत्पादन होता है तमिलनाडु के अंदर तो पैकारा जलप्रपात का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है, क्योंकि पैकारा जल विद्युत जो संयंत्र है इसी की मदद से विद्युत का उत्पादन होता है तमिलनाडु के अंदर। तो नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है पैकारा जलप्रपात। तो ये सब पॉइंट था इस वीडियो में, मैंने टोटल 10 सवाल लेने का प्रयास किया जलप्रपात के ऊपर और मुझे विश्वास है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और इसी के चलते आप यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल, व्हाट्सअप फेसबुक टेलीग्राम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। माय पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है 9508112341। डेली झारखंड करंट अफेयर आपको चाहिए वीडियो तो अवेलेबल आवर चैनल पे है और सब कोर्सेस यहाँ पे कराई जाती है। आपको सब्सक्राइब करना होगा चैनल ताकि जो भी न्यू वीडियो बने तो आपके तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले क्लास में।